अच्छा भाई, फोर्ट्स फोर्ट्स के बारे में कुछ चीज़ें और रह गई थी, जैसे कि फोर्स क्या है, वो फिजिकल क्वांटिटी थी, सही है, उसके बारे में हम डिटेल पढ़ चुके हैं। अच्छा, वो फिजिकल क्वांटिटी के पास यूनिट होता है, हर फिजिकल क्वांटिटी मैंने बताया था फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, हर वो क्वांटिटी जो कि अपने यूनिट से स्पेसिफाई की जाए वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है, हर वो चीज़ जो कि इसके पास कोई ना कोई यूनिट है वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। तो फोर्स भी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, तो यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और न्यूटन के हिसाब से होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सही है। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला उसका होता है F इज इक्वल टू एम ए, सही है। यहाँ पे फोर्स भी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी, और एक्सेलरेशन भी क्या होती है, क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पे मास क्या होता है, आपके पास कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट मतलब चेंज नहीं होता, सही है, मास फिक्स क्वांटिटी होती जो चेंज नहीं होती इस फॉर्मूले के तहत। अच्छा, फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इट मीन्स वेक्टर क्वांटिटी से क्या मुराद है, इसके पास डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। अभी हमने कुछ देर पहले जो हम लोगों ने वो पढ़ा है, केसेस पढ़े हैं, उसके नाम में लिखा है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही थी बॉडी उस डायरेक्शन में मूव कर रही थी। तो यहाँ पे डायरेक्शन की बात भी आ रही है और क्या, मैग्नीट्यूड की बात भी आ रही है, दैट्स व्हाई फोर्स इज रेफर्ड एज वेक्टर क्वांटिटी, सही है, समझ में आ गया। अच्छा, अगर ये नोट कर लिया तो जल्दी से नोट करो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके ना से एमसीक्यूज बे बना बनता है, सही है। तो ये एमसीक्यूज के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, और काम तो वैसे भी आप लोग के पास है, तो उसमें से लर्निंग प्रोसेस आप उसमें से कर लेंगे। अच्छा, चलिए जल्दी करें आप ये। तो एक और चीज़ बताता हूँ, मोमेंटम का नाम सुना होगा आपने, सही है। मोमेंटम होता क्या है, पहली बात तो ये कि मोमेंटम होता क्या है, देखो एक होती है क्वालिटेटिव डेफिनेशन और एक होती है क्वांटिटेटिव डेफिनेशन। क्या होती है, एक होती है क्वालिटेटिव डेफिनेशन और एक होती है क्वांटिटेटिव डेफिनेशन। अगर मैं तुम लोग को पढ़ा रहा हूँ मोमेंटम, तो मोमेंटम एक डेफिनेशन है क्वालिटेटिव, सही है, और एक डेफिनेशन है क्वांटिटेटिव, सही है। जो क्वालिटेटिव डेफिनेशन है और क्वांटिटेटिव डेफिनेशन का फर्क क्या है, क्वालिटेटिव में हम लोग क्वालिटी को डिफाइन करते हैं और क्वांटिटेटिव में हम लोग क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं, सही है, ये हमारे पास डिफरेंस है। अच्छा, क्वालिटेटिव मतलब होता है द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी क्या कहलाती है हमारे पास, मोमेंटम। द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। मोमेंटम भी क्या है हमारे पास, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है हमारे पास, देखो अभी पता लगता है हम लोग को, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। अच्छा, एक और बात, मोमेंटम को डिनोट करते हैं कैपिटल पी से। क्वांटिटेटिव में क्या बात बताई थी मैंने आपको, आप किसी भी चीज़ की क्वांटिटी तादाद या मिकदार को बताते हैं। अगर मैं क्वांटिटी की बात करूं तो पी इक्वल टू क्या होता है, बेसिक फॉर्मूला एम वी। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो मोमेंटम जो है वो मास और वेलोसिटी के मल्टीप्लीकेशन से जो टर्म क्वांटिटी मिलती है वो कहलाती है मोमेंटम, सही है। अच्छा, अब हम इसी से इसका यूनिट डिराइव करेंगे, देखते हैं। आपके पास मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड क्या हो गई, इसकी क्या हो गई, यूनिट हो गया ना भाई, मुझे तो बोलो, सही है। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड क्या है, आपके पास इसका यूनिट आ गया, सही है, और इसका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। अच्छा,
डायमेंशंस मैंने आप लोग को नहीं पढ़ाए, जब तो डायमेंशंस पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि डायमेंशंस क्या होती है अलग से। वैसे मैंने वो बनाई हुई है वीडियो, वो भी आप लोग देख कर लीजिएगा वहाँ से। अच्छा, ये था क्वांटिटेटिव डेफिनेशन। अब हम बात करेंगे क्वालिटेटिव डेफिनेशन की। क्वालिटेटिव डेफिनेशन क्या होती है? क्वालिटेटिव डेफिनेशन होती है हमारे पास कि अगर आप किसी भी चीज़ की क्वालिटी को बता रहे, क्या बता रहे, क्वालिटी को बता रहे, जिससे मैं तुम लोग को बताया था फोर्स। फोर्स क्या होती है? फोर्स एक ऐसा एजेंट होता है जो कि हमारी बॉडी के अंदर क्या प्रोड्यूस करता है, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करता है। क्यों? क्योंकि आपकी वेलोसिटी चेंज होती है। तो ये इसकी क्वालिटी नहीं थी, इसकी क्वांटिटी थी, क्योंकि हम लोग वेलोसिटी के चेंज की बात कर रहे हैं। वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है, तो ये इसकी क्वांटिटी है। अगर मैं क्वालिटी की बात करूं तो क्या बताया था मैंने, फोर्स इज एन पुश और पुल विच टेंड्स द बॉडी टू कीप इन द मोशन। मतलब फोर्स वो एजेंट है जो किसी भी बॉडी को मोशन की कंडीशन में मूव करवाता है। सही है? तो फोर्स की क्या हो गई? क्वालिटी हो गई। इसी तरह मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम भी इट्स अ काइंड ऑफ फोर्स। मोमेंटम इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ फोर्स। अब बोलोगे कैसे फोर्स? अब दिखाता हूँ, उसका यूनिट है। अगर इसके यूनिट को मैं लिखूँ किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है, सही है? और फोर्स का यूनिट क्या था? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे एक और सेकंड ले आऊँ तो मेरे पास न्यूटन आ जाएगा, तो मैं करूँगा मल्टीप्लाई बाय एस एंड डिवाइड बाय एस। सही है? अब और से देखो, किलोग्राम मीटर पर एस 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 स्क्वायर हो गया और मल्टीप्लाई बाय एस हो गया, ये वाला एस ऐसे ही रहा, एस स्क्वायर हो गया। ये चीज़ क्या बन गई हमारे पास? न्यूटन। ये चीज़ क्या बन गया हमारे पास? न्यूटन बन गई, और न्यूटन इंटू सेकेंड। तो हमारे पास क्या है? इसका मतलब है कि मोमेंटम भी इट्स अ काइंड ऑफ अ फोर्स। इट्स अ काइंड ऑफ अ फोर्स, नॉट फोर्स, नॉट कम्प्लीटली द फोर्स। या ये बोल रहे थे मोमेंटम इज एन इफेक्ट ऑफ फोर्स, अगर जिस बॉडी को आप रोकने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। सही है? तो मोमेंटम वो चीज़ होती है। समझ में आ गई? तो मोमेंटम क्या होता है आपके पास? प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी। सही है? इसको मोमेंटम, मोमेंटम कहलाता है। सही है? अच्छा, क्वालिटेटिव डेफिनेशन में क्या हो गया कि वो फोर्स जो किसी बॉडी के अंदर लगे तो उस बॉडी को रिजिस्ट करे मूव करने से, तो वो कहलाती है आपके पास मोमेंटम। सही है? तो ये आपके पास क्या आ गई? क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेफिनेशन। सही है? अच्छा, मोमेंटम क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। यूनिट भी पढ़ लिया हम लोगों ने इसका, एक यूनिट ये होता है, एक यूनिट ये होता है, और फॉर्मूला भी हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ लिया। सही है? समझ में आ गया? अब हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन द मास एंड, सॉरी, द रिलेशन बिटवीन क्या हमारे पास? फोर्स एंड मोमेंटम, या रिलेशन ऑफ मोमेंटम, डिफाइन मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ फोर्स। मतलब ऐसा रिलेशन बनाएंगे, मैथमेटिकली ड्राइव करेंगे, जिसमें मोमेंटम और फोर्स दोनों आ रहे हैं। सही है? तो चेक करते हैं। अच्छा, ये साइड में रख कर रहा हूँ। अच्छा, एक और चीज़ बताऊँगा कि हाउ कैन बी इंटरप्रेटेड बोथ द फिजिकल क्वान्टिटी। सही है? अगर मैं बात कर रहा हूँ, क्या है इसकी करेक्ट जो वर्डिंग है वो क्या है आपके पास? मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ फोर्स। सही है? मोमेंटम को, मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ फोर्स। सही है? अच्छा, एक बात बताऊंगा कि अगर जस्ट सपोज आपके पास एक बॉडी है, या एक कार की एग्जांपल ले लेते हैं, एक कार की है वेलोसिटी, एक कार है। सही है? ये कार किसी न किसी ट्रैक पे मूव कर रही है इस तरह, तो मूव करते करते वो बॉडी यहाँ पे पहुँचती है, और पहुँचने के बाद इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी वी आई, इसकी फाइनल वेलोसिटी थी वी आर। सही? और यहाँ से यहाँ तक जाने में सब कुछ ना कुछ लगा लगा होगा, टाइम भी लगा होगा, जैसे हम बोल देंगे टी। समझ आ गया? तो अच्छा, एक और चीज़, बॉडी जब मूव कर रही होती है, मतलब कार जब मूव करेगी, तो आप जानते हैं कि वो किसी ना किसी फोर्स में मूव करेगी, क्योंकि हम जानते हैं जब भी कोई बॉडी मूव करती है तो जो जो चीज़ को मूव कराती है वो क्या होती है? फोर्स होती है। सही है? तो उसके पास फोर्स होगी एफ। सही है? अच्छा जी, और इसका कोई ना कोई मास होगा एम। मास तो वही रहेगा, मास तो चेंज हो सकता है, ये हो सकता है क्या? अगर कोई गाड़ी यहाँ पे थी,
वो 1000 किलोग्राम की थी, कुछ देर कुछ वहाँ बी पॉइंट पे पहुंची, मतलब ए पॉइंट पे, ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, सही है, ए पॉइंट पर उसका मान 1000 था, बी पॉइंट पे आके 1000 एक हो गया, पॉसिबल ही नहीं है, मास इज अ कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी, मास कभी चेंज नहीं होता अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स, सही है। तो हमने देखा कि इसके पास मास भी है और वेलोसिटी भी है, क्या देखा हमने, इसके पास भी देखा मास भी और वेलोसिटी भी है, सही है। तो मास और वेलोसिटी क्या कहलाता है आपके पास, मोमेंटम। तो इस बॉडी के पास भी मोमेंटम होगा और जब ये बॉडी यहाँ पहुंची होगी तो भी मोमेंटम होगा, पर क्या होगा, यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम होगा, यहाँ पे फाइनल मोमेंटम होगा, सही है। अब हमने चेक किया कि आपके पास इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम जिसे हम लोग पी आई बोल देंगे, क्या बोल देंगे, पी आई बोल देंगे। तो पी आई बोल देंगे वो क्या होगा, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी। अगर ये इनिशियल मोमेंटम है तो यहाँ पे आई लगा देंगे और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, सही है। इसी तरह अगर मैं बात करूँ फाइनल मोमेंटम की, मतलब बॉडी को कुछ टाइम बाद यहाँ पहुँची तो वहाँ पे क्या हो गया आपके पास, मोमेंटम चेंज हो गया, वो क्या बन गया, हो गया फाइनल मोमेंटम, जिसको हम शो करेंगे, मोमेंटम को पी से करते हैं और फाइनल तो पी एफ हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, एम वी एफ। क्यों, क्योंकि फाइनल मोमेंटम है तो वेलोसिटी भी क्या लेंगे हम लोग, फाइनल लेंगे, सही है। अच्छा अब मैं बात करूँ चेंज, ये कितना चेंज आया मोमेंटम के अंदर, कोई बता सकता है कितना चेंज आएगा मोमेंटम में। हम जानते हैं अगर चेंज की बात हम अपनी डेली लाइफ से कोट भी करें तो डेली लाइफ से भी पता चलता है हमें कि अगर हमारे पास, क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर हमारे पास 10 रुपये और मेरे छोटे भाई ने मुझसे 4 रुपये ले लिए तो मेरे पास कितने रुपये बचेंगे, 6 रुपये बचेंगे। तो चेंज कितने का आएगा, 4 रुपये का, 4 रुपये का चेंज आएगा, 6 रुपये तो बचेंगे, चेंज कितना आया, 4 रुपये का, सही है। मतलब इनिशियल कितना पता था मुझे, 10 रुपये थे, फाइनल कितने हो गए मेरे पास, 6 रुपये, तो कितने का चेंज आया मेरे पास, 4। मतलब जब भी हमें चेंज मालूम करना होता है तो हम फाइनल वाली वैल्यू में से इनिशियल वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, अगर मैं चेंज ऑफ मोमेंटम की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, अरे चेंज को मैंने बताया था तुम लोग को पहले भी, चेंज को हम लोग डेल्टा से शो करते हैं, डेल्टा वो साइन होता है जो किसी भी चीज़ के चेंज को बताता है, और किसका किसका है, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा पी, मोमेंटम को पी से शो करते हैं, तो क्या हो जाएगा भाई, आपके पास पी एफ माइनस का पी आई, पी एफ माइनस का पी आई। अगर तो फर्दर सॉल्व करें तो देखो नीचे दिन पे कैरी आउट होगी, पी एफ की वैल्यू कितनी थी, एम वी एफ, एम वी एफ माइनस पी आई की वैल्यू कितनी थी, एम वी आई। और से क्या किया, पी एफ की जगह एम वी एफ ये पुट कर दिया और पी आई की जगह एम वी आई ये पुट कर दिया। अच्छा अब इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे क्या आ जाएगा, वी एफ माइनस ऑफ वी आई, सही। तो चेंज ऑफ मोमेंटम क्या आ गया मेरे पास, डायरेक्ट मैं जब इसका सिंबल लिख रहा हूँ, मेरे पास चेंज ऑफ मोमेंटम कितना आ गया, एम वी एफ माइनस वी आई, सही है। अच्छा यहाँ पे इसको यहाँ से ज़्यादा जाने में कुछ ना कुछ टाइम भी तो लगा होगा ना भाई, तो हम क्या बोलेंगे, हमारे पास क्या चीज़ आएगी, अगर मैं इन पूरी टर्म को टाइम से डिवाइड कर दूँ, क्या बोला मैंने, अगर मैं इस पूरी टर्म को टाइम से डिवाइड कर दूँ, सही है। तो क्योंकि क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर टाइम भी तो लगा होगा यहाँ से यहाँ तक मूव करने में, तो डेल्टा पी एम वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टी डिवाइडेड बाय टी। अच्छा टी इस तरह देखो, हम जानते हैं ये टी बेसिकली चेंज है, मैं डेल्टा नहीं लिख रहा, डेल्टा टाइम में नहीं लिखता क्योंकि ऑब्वियसली जीरो से स्टार्ट होता है हम लोग नॉर्मली, तो जीरो माइनस करोगे तो वही टाइम आ जाएगा जो आपके फाइनल होगा, सही है। तो डेल्टा मैं यहाँ पे लिखता नहीं हूँ, सी वाला तो टी लिखता हूँ। अच्छा तो अब मैं चेक करता हूँ कि मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ बन रही है, याद है आप लोगों को कि हम लोग ने एक फॉर्मूला पढ़ा था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अंदर, जब हम सॉरी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर, कि एक्सीलरेशन बराबर होता है वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी, तो वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी,
किसके बराबर है, तो हम m ऐसे लिख देंगे, पूरी की जगह क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं, आ गया। तो हम बोलेंगे कि हमारे पास डेल्टा p ओवर t, डेल्टा p ओवर t किसके बराबर आ गया, ma के। ma किसके बराबर था, अभी कुछ देर पहले बताया था, ma बराबर होता है f इज इक्वल टू ma, तो ma की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, f। तो पता चला कि डेल्टा p अपॉन t किसके बराबर है, फोर्स के बराबर है। अगर मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे शायद दिख नहीं रहा हूँ, तो डेल्टा p ओवर t किसके बराबर आ गया आपके पास, फोर्स के बराबर आ गया। क्यों, क्योंकि एम ए किसके बराबर होता है, फोर्स के बराबर होता है। अच्छा, इससे हमें एक बात आ जाती है, मैंने क्या लिखा था, मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ फोर्स। देख लो मोमेंटम किसकी टर्म में आ गया, फोर्स की रिलेशन में आ गया। इसको मैं एक और चीज भी बोल सकता हूँ, क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू नेट फोर्स। क्या कहलाता है भाई, नेट फोर्स, किस तरह, रेट। मैंने बताया था किसी भी चीज को टाइम के रिस्पेक्ट से मेजर करे तो वो क्या कहलाता है, रेट, सही है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम चेक करें, अगर हम लोग किसी भी मोमेंटम को उसके रेट से, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट से मेजर करें, तो वो किसके बराबर आएगा, इक्वल्स टू नेट फोर्स। नेट फोर्स क्या होगी, वो फोर्स जिस बॉडी से बॉडी मूव करे, सही है। तो आज का लेक्चर ही करता, बोलो क्या हुआ, कुछ पूछना है।